अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी गरौठा धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सौंपा। इस मौके पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहा और चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रही। एसपी सिटी ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। इस मौके पर पूर्व गरौठा दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार से जनता त्रस्त आ चुकी है और आगामी 2022 के चुनाव में उनको यह देखने को मिलेगा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के विषय पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव भाजपा नहीं जीती है, उन्हें प्रशासन ने जिताया है। इस मौके पर तिलक चंद अहिरवार, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत जनक सिंह गौर, परमानंद कुशवाहा, वरिष्ठ नेता सुधीर जायसवाल, राजेश परिहार, संतोष गैड़ा, महिपत अहिरवार, अव्यू सिद्दीकी, भवन यादव, बॉबी यादव सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ज्ञापन के प्रमुख भागों में सबसे पहली बात है जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की हत्या की है, लोगों का भरोसा टूटा है पुलिस के प्रति। सरकार ने अपने छोटे से पदों के लाभ के लिए पुलिस को कार्यकर्ता बना दिया, चौथे स्तंभ का महत्व ही खत्म किया है कार्यपालिका का। मैं कह सकता हूँ ये चिंताजनक है, मेरे लिए है। दूसरा है, लड़ाई राजनीति में सिर्फ इतनी सी है कि हम अपनी सरकार के मार्फत लोगों की अध्यक्षता निर्वाचन कैसे करेंगे। सामने समाजवादी पार्टी अपने विकल्प के रूप में थी। पिछले 5 साल पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी को जब मौका मिला था, उन्होंने पहले दिन से योजना बनाई कि हम बच्चों की पढ़ाई फीस माफ कैसे करें, उन्हें अच्छे ड्रेस कैसे दें, उनके अच्छे स्कूल कैसे बनाएं। फिर उन्होंने किसान की बेटी पढ़े उसके लिए कन्या विद्यालय योजना लेकर आए, 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों को दे दिए। पेंशन योजना लेकर आए जिससे माताओं बहनों को पेंशन मिलने का इंतजाम पूरे देश में पहली बार हुआ। 55 लाख महिलाओं को पेंशन का इंतजाम करके दिखाया। कैसे किसान के घर में खुशहाली है उसकी कोशिश हुई। बजट का 70% पैसा गाँव में खर्च किया। अगर आवास की योजना लेकर आए तो लोहिया आवास लेकर आए, एक अच्छा आवास बने जिससे गरीब किसान के घर में अच्छी से रहने की जिंदगी मिले उसको। मैं कह सकता हूँ जो सूखा पड़ गया बुंदेलखंड में तो पैकेट घर पे भेज दिए, और जब सूखा पड़ा ओलावृष्टि हो गई तो ऐसा मुआवजा दिया जो देश का उदाहरण बन गया। मैं कह सकता हूँ लड़ाई ये थी कि गरौठा से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट, UP24 न्यूज़।